नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डर और घबराहट देखने को मिलती है। उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान को बांटने, नफरत फैलाने से राज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी की सच्चाई देश के सामने रखी है। 2019 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और संघ को हराकर रहेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने तीन तलाक पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो तीन तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ये कानून मोदी सरकार का एक हथियार है जिसका इस्तेमाल वो लोग मुस्लिम पुरुषों को जेल में डालने के लिए करते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया है और कांग्रेस भी उनका समर्थन करती है। कांग्रेस को ट्रांसपोर्ट में मिली बड़ी सफलता। देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी से चालू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को नई दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि ये ट्रेन फिलहाल इन्हीं दो शहरों के बीच चलने वाली है। रेल मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक वंदे मातरम एक्सप्रेस चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेन 18 के नाम से तैयार की गई थी। 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे नया नाम दिया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में इंजन अलग नहीं है। साथ ही ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। सूत्रों के अनुसार ट्रेन धीरे धीरे शताब्दी ट्रेनों की जगह लेगी जो 30 साल पुरानी हो चुकी हैं। प्रदेश में योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने इस बार 4,70,684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बता दें कि योगी सरकार का ये बजट पिछले साल 2018-19 के बजट से 12% ज़्यादा है और प्रदेश सरकार के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि यूपी में भी मोदी सरकार के आम बजट की तरह सभी वर्ग के लोगों का खासा ख्याल रखा गया है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 12 में स्थित मेट्रो अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के मुताबिक अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। धुएं की वजह से रेस्क्यू में दमकल विभाग की टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि 317 बेड वाले इस मेट्रो अस्पताल की गिनती नोएडा के बड़े अस्पतालों में की जाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।